नमस्कार स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल आज का वीडियो सैनिक स्कूल के ऊपर है बेसिकली एडमिट कार्ड्स बच्चों के डाउनलोड हो रहे हैं एडमिट कार्ड्स के साथ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनस हैं उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो बच्चे चाहे तो एडमिट कार्ड को देख उसको रीड कर सकते हैं बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से बताना तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं लेट्स गेट सी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है कि ये जो एडमिट कार्ड है ना बेसिकली इट कंटेन्स थ्री पेजेस ठीक है आपको तीन पेजेस देखने मिलेंगे इसमें ठीक है पेज वन में यू विल सी ऑल द सेंटर डिटेल्स एंड ऑल ठीक है उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ठीक है तो ये जो पहला पेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब पहला पेज कैरी करना सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उन्होंने फिर भी डिटेल दी है कि फर्स्ट पेज में यू विल कंटेन द सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन पेज टू और पेज थ्री में फिर सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी में ठीक okay? तो है ओके तो इंस्ट्रक्शन अगर आप ना भी ले जाए तो चलेगा लेकिन पेज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल पेजेस हाउ ओनली द टॉप शीट्स Containing the personal and test details as well as the self-declaration and signature of parent candidate is required to be submitted to the invigilator at the examination center. Aap chahe now, what is the point number two? It says that all candidates are required to download and read carefully the instructions given with the admit card and strictly adhere to them. ठीक है तो ऑलरेडी हमने देख लिया है जो भी जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे वही तो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ ठीक है और लेकिन उनको अच्छे से फॉलो करना है हमने ओके एज सोन एज एडमिट कार्ड इज डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट्स दे हैव टू चेक द डिटेल्स केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रेपेंसिस इफ एनी टू द नोटिस ऑफ एंटी इमीडिएटली जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें उसमें देख लें कि सारी डिटेल्स ठीक है ना अगर आपको कोई डिफरेंस दिखता है आपके नाम पे या कुछ भी कोई डिफरेंस दिखता है एड्रेस पे हो सकता है तो आप इसको एन के संज्ञान में लाए उनको आप मेल कर सकते हैं ठीक है थीके? अपना एप्लीकेशन नंबर बताएं रोल नंबर बताएं वो नंबर बताएं या आप हेल्प डेस्क जो है एन का उसमें भी आप फोन कर सकते हैं ठीक है आई होप कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड के साथ मिले हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा लेकिन जब आप उन्हें फोन में लाएंगे तो दस से शाम के पाँच बजे तक सुबह दस से लेकर शाम के पाँच बजे तक का टाइम दिया है ठीक है

सबमिट uh, भी होगा वहां पर उसी के थ्रू आप एलिजिबल रहेंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा बेसिकली ये कहा जा रहा है एक ही एडमिट कार्ड ले जाएंगे आप द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इनफॉर्मेशन बुलेटिन ठीक है याद रखना कि एडमिट कार्ड सिर्फ एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल में वैसे तो ये सभी बच्चों को मालूम होता है लेकिन फिर भी एन टी ए अपनी तरफ से क्लैरिटी रखता है शुरुआत से द एडमिट कार्ड इज नॉन ट्रांसफरेबल ठीक है फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एडमिट कार्ड किसी और का और बच्चा कोई और जा रहा है ठीक है द एडमिट कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल है इज अ लीगली पर्निशेबल ऑफेंस ठीक है अगर आप अपने एडमिट कार्ड में किसी और बच्चे को भेज दोगे एग्जाम देने तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है ध्यान दीजिएगा ठीक है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेनड ठीक है आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो आया एडमिट कार्ड में वही रहेगा उसमें कोई भी बदलाव कोई भी चेंज नहीं आने वाला

प्रायर देख लीजिए एग्जाम के एक दिन पहले ताकि दूसरे दिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप टाइम से अपना एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट कर लें क्योंकि फिर वो एंटरटेन नहीं करेंगे ना अगर आप थोड़ा सा लेट पहुंचोगे ना आप बोलोगे हमें मालूम नहीं था हम फर्स्ट टाइम आए तो साफ साफ लिख रहे हैं कि आप एक दिन पहले देख लीजिएगा अपना ठीक है तो साफ साफ ये भी कहा गया है कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड तो जो जो आपके एडमिट कार्ड में टाइमिंग्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना टाइम से ठीक है और साफ साफ कहा है नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम दैट इज़ वन थर्टी पी एम डेढ़ बजे गेट क्लोज हो जाएंगे उसके बाद तो फिर आपको एंट्री मिल ही नहीं सकती पॉइंट नंबर इलेवन से इज़ दैट नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड बिना एडमिट कार्ड के नहीं जा सकते द टॉप शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी ठीक है टॉप टॉप शीट कंटेनिंग द पर्सनल डिटेल्स एज वेल एंड अ वैलिड आई डी प्रूफ ठीक है तो आपके पास देखिए आपको क्या क्या ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे यह है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आई डी प्रूफ की एक फोटो कॉपी जरूर ली जाइएगा अपने साथ ओके okay? और चाहे तो एक ओरिजिनल भी रख लीजिएगा साथ में पॉइंट नंबर ट्वेल्व पॉइंट नंबर ट्वेल्व में कैंडिडेट आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद डेम ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ठीक है आप क्या क्या आइटम्स ले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास बॉटल आप कैरी कर सकते हैं पानी की लेकिन वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए ठीक है कोई मेटल बॉटल अलाउड नहीं होगी वहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ठीक है वो भी ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे ठीक है उसका क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए ए साइज़ पेपर में और जो जो डिटेल्स है वो पूरी उसमें फिल्डिन होनी चाहिए उसके बारे में अभी हम बात करेंगे और साथ ही साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ का ओरिजिनल सॉरी मैंने फोटो कॉपी का साफ साफ लिखा है ओरिजिनल तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी कर लीजिएगा सभी बच्चे ओरिजिनल ठीक है फिर से स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं इसमें ओरिजिनल ओके अदरवाइज आपको फिर एग्जाम में ना बैठने दे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आप लोग के साथ ना ठीक है तो कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट uh, चीजें हैं जो आप uh, कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पॉइंट नंबर थर्टीन दैट बिफोर रीचिंग द सेंटर

They should ensure that their left left hand hand thumb impression impression is clear Clear and not smudged. dirty okay? The 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 candidate has to affix his or her signature in the presence of the invigilator. और जो कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचरों पहले से मार्केट में चले जाना एडमिट कार्ड में वो आपको इनविजिलेटर के सामने करने इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप साइन करेंगे वो इन के सामने पॉइंट नंबर फोर्टीन सेज दैट कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर एज दिल बी नो सेफ कीपिंग arrangements एट द सेंटर एंड एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी responsible फॉर सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल तो कुछ पर्सनल चीजें मत ले जा लीजिएगा वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ठीक है फोन तो कैरी कर ही नहीं सकते वैसे भी ठीक है यहाँ पर साफ साफ उसको प्रोहिबिट किया गया लेकिन कुछ ऐसा आइटम भी मत जाना वॉलेट भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ पैसे रख लेना जेब में वॉलेट भी कैरी करने की जरूरत नहीं है ठीक है वैसे भी देखिए आप लोग छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो सारी अपने बिलोंगिंग्स आप पेरेंट्स को देकर आ जाए आ जाइएगा ठीक है अपने वाटर बॉटल एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल आईडी कैरी कर दी कुछ पैसे जेब में डाल दिए दैट्स इट इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है अब इसमें साफ साफ ये भी बताया है पॉइंट नंबर फिफ्टीन में इन नंबर पॉइंट नंबर फिफ्टीन में साफ साफ ये भी बताया है कि कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड है एग्जामिनेशन सेंटर में जो आप नहीं ले जा सकते ठीक है सबसे पहले मोबाइल फ़ोन आप नहीं कैरी कर सकते ठीक है कोई और भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ हो वो भी नहीं कैरी कर सकते टेक्चुअल या स्टेशनरी मटेरियल सच एज बुक पेपर फॉर्मुले लॉक टेबल्स रूल ये कुछ भी कैरी नहीं कर सकते एक्सेप्ट ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ठीक है pen. तो आपको सिर्फ पेन चाहिए उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो चलेगा पर्सनल आइटम्स जैसे वॉलेट हो गया पर्स हो गया कैप गॉगल्स जैकेट फूड ड्रिंक्स फूड या ड्रिंक्स या पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी अलाउड नहीं है कैंडिडेट्स मस्ट चेक एंड एंश्योर दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस बार्ड प्रोहिबिटेड आइटम्स जिनमें रोक लगी हुई ऐसे आइटम्स आपके पास नहीं होने चाहिए अगर इफ दे आर कैरिंग एनी सच आइटम इट मस्ट बी भी ओवर इमीडिएटली टू द इनविजिलेटर अगर आपको लगता है कि गलती से आपने कैरी कर लिया जैसे वॉलेट कैरी कर लिया तो तुरंत वो आप रूम में पहुंचकर अपने इन्विजिलेटर को दे दीजिएगा एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन विल इन्वाइट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड विद्रॉवल ऑफ कैंडिडेट ठीक है तो भैया अगर आप कुछ ऐसी हरकतों में पकड़े गए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आपके खिलाफ आपका कैंडिडेटचर कैंसिल हो सकता है इफ़ एनी अदर कैंडिडेट इज यूजिंग अनफेयर मीनस प्लीज ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्ट इमिडेटली टू द इन्विजिलेटर अगर आपको लगता है कि कोई और कोई भी अनफेयर मीन यूज़ कर रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट इन्विजिलेटर से करो ऐसा साफ साफ आपको दिया है ठीक है बढ़ते आगे पॉइंट नंबर फिफ्टीन वी हैव कवर्ड ठीक है तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है बच्चे तो वैसे पढ़ते ही फिर भी मैं एक एक करके आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ

आराम से इन्विजिलेटर की बात सुनना ठीक है और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करना द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड टेन मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन और जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी दस मिनट पहले मिले, मिलेगी एग्जाम से ठीक है वाइल ओपनिंग द ट्रांसपेरेंट कवर ऑफ द दील्ड बुक बुकलेट ओ एमआर शीट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज कॉशन नॉट डैमेज द कंटेंट ठीक है तो जब आप बेसिकली uh, जो सील्ड टेक्स्ट बुक्स है और ओ एम आर शीट निकालेंगे तो आराम से निकालना ठीक है ऐसा ना हो कि ऐसा करते वक्त आप अपने क्वेश्चन पेपर को या ओ शीट को डैमेज कर लें ठीक है अच्छा देर विल बी फोर सेट्स ठीक है अभी फोर सेट्स तो अलग अलग पेपर्स में सिक्स और तो नाइन्थ में अलग अलग हो सकता है जैसे ई एफ जी एच है ये एक सिक्सथ का आ, मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूँ नाइन्थ में ए बी सी डी भी हो सकते हैं तो याद रखना कि देर बी फोर सेट्स जो क्वेश्चन बुकलेट होंगी उसके चार सेट्स होंगे और ये होता है हमेशा से बच्चों को मालूम है ठीक है अलग अलग सेट्स हो सकते हैं बच्चों के जरूरी नहीं है कि ई एफ जी एच इसी पैटर्न में रहे ए बी सी डी भी हो सकता है कैंडिडेट्स टू चेक केयरफुलटर इज प्रिटेड ऑन द कवर पेज एंड द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ देंशन ऑन दवर पेज तो ये ध्यान रखना आपको अच्छे से केयरफुल चेक करना है कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है उसका वो प्रिंटेड होना चाहिए कवर पेज में और जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें सेम नंबर होना चाहिए एज मैं कवर पेज ध्यान दीजिएगा ठीक है सेक्शन ए ऑफ द पेपर इज यूनिक टू इच लैंग्वेज एंड इज नॉट अ ट्रांसलेसन ऑफ द इंग्लिश वर्जन इट हैज़ टू बी आंसर्ड बाई द कैंडिडेट्स इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाई दैम ये क्लास सिक्स के इंस्ट्रक्शन है बेसिकली उनका जो लैंग्वेज का पेपर होता है अलग अलग चाहे वो हिंदी हो चाहे वो पंजाबी हो तो ये स्पेसिफिक क्लास सिक्स के इंस्ट्रक्शन है बाकी तो सभी के कॉमन है ठीक है तो इसको आप देख लीजिएगा मैं आता हूँ पॉइंट नंबर ट्वेंटी थ्री पे इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन बुकलेट कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बुकलेट में कुछ डिफ्रेंस है ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ आप अपने इन्विजिलटर को रिपोर्ट कीजिएगा ठीक है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू मार्क देर आंसर ऑन द आर शीट कंटेन विद इन द क्वेश्चन बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट के अंदर ही ओ शीट मिलेगी तभी साफ साफ कहा कि निकालते वक्त सावधानी बरतना ऐसा नहीं कि ओम आर शीट ही फट जाए आपसे दे आर नॉट अलाउड टू ओपन द सील ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एंटिल दर एडवाइज टू डू सो बाय द इन्विजिलेटर और बेसिकली जब आपसे इन्विजिलेटर कहेगा कि आप सील फाड़े तभी आप सील फाड़े और तभी आप उससे ओ शीट निकाले और शीट को भैया आराम से हैंडल कीजिएगा विदाउट फोल्डिंग और इट ओनली सर्किल्स को फिल करते हैं और उसके अलावा कुछ भी उसमें निशान नहीं पड़ना चाहिए इन बातों का ध्यान रखेंगे ठीक है बेटा ओ है। का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है कंप्यूटर चेक करता है आपके तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ओके okay, इंसान नहीं करते कंप्यूटर करता है ठीक है तो अगर कैंसिल हो गया तो हो गया अच्छा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप देयर पर्टिकुलर्स ऑन द फिलअपुलर आंसर शीट एंड दे शुड नोट दैट एनी ओमिशन मिस्टेक डिस्क्रिपेंसी इन फिलिंग अप डिटेल्स ऑन द एम आंसर शीट स्पेशली विद रिगार्ड टू रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर विल रेंडर द आंसर शीट लाइबल फॉर रिजेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो एम शीट को भरते वक्त एकदम सावधानी बरतनी है आराम से इन लीडर से कोई भी कंफ्यूजन इतना सा भी होना पॉइंट बराबर

द शीट विल नॉट बी रिप्लेस्ड याद रखना ऐसे मैं सोचना कि अगर गलती होगी तो नई शीट मिलेगी एक ही ओ एम आर शीट मिलती है याद रखेगा द ओनर्स ऑफ फिलिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट फील्ड ऑफ द ओ एम आर शीट इज सोनली ऑन द कैंडिडेट्स ओनर्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है कैंडिडेट्स के ऊपर ही है तो भैया इन्विजिलेटर को कंसल्ट करना अगर आपको कहीं भी डाउट हो ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोगों की होगी ठीक है तो आराम से कोई रश नहीं करना आराम से ओ एम आर शीट भरें और कोई भी डाउट हो डाउटिलटर से पूछे कैंडिडेट शुड बबल या शेड इन दर सो दर्कल करेक्ट आंसर इन वैलिड एंड नो मार्क्स विल बी गिवेन फॉर सच मल्टीपल आंसर शीट आर गिवन इन दिक्चर है जो बच्चे नए मैं उनको बता दू ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी यहाँ पर सर्कल को अगर आप फिल करते हैं तो उसको प्रॉपरली कीजिएगा उसमें जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो आपको दिखने नहीं चाहिए दूसरी बात यह है कि एक ही रिस्पॉन्स एक ही क्वेश्चन के रिस्पॉन्स अगर आप मल्टीपल दे दें जैसे आपने दो दे दिए तो इसको भैया काउंट नहीं किया जाएगा तो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे अभी हम ठीक है तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर है कोई कोई भी स्पेसिफिक एक ही सर्कल को फिल करना है ऐसे मत कर देना ये सारे रॉन्ग मैथडस है गलत तरीका है दो कैसे कर सकते हो आप ये भी गलत तरीका है आपने एक काट दिया टिक भी नहीं मानना आपको कि सही है गलत है और ऐसे भी नहीं कि आपने बस हल्का सा थोड़ा सा इसको गोरा कर दिया कंप्लीटली सर्किल को फिल करना जरूरी है ओके वो चीजें यहां पर बताई गई है जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने जो पुराने बच्चे हैं उनको तो आइडिया है जो नए बच्चे हैं वो ज्यादा गलती करते हैं वेयर वुड बो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन करना लास्ट में टाइम नहीं बचे तो गोली तो मारी देना बिकॉज देर इज नोटिव मार्किंगल फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन इंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरफिकेशन ऑफ ओर सर्टिफिकेट सच एस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डोमिसाइल कटेगरी इफ डिस्क्रिपेंस फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस द कैंडिडेट विल His or her seat. So, वो आउटफिट हिज और हर्ज सीट तो ध्यान दीजिएगा जो कैंडिडेचर है एग्जामिनेशन में बच्चे का वो प्रोविजनल है टेम्प्रेरी है आप एग्जाम देने गए इसका मतलब ये नहीं है आपका सिलेक्शन हो गया ध्यान दीजिएगा और फाइनल सिलेक्शन याद रखना आपके रिटर्न एग्जाम पर डिपेंड करता है उसके अलावा मेडिकल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है उसके अलावा वेरीफिकेशन पर भी डिपेंड करता है ओके okay? तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है तो जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपने जो डिटेल्स डाली हुई हैं वो आपको ध्यान में रखना है कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिटेल्स कुछ और डाली और यहाँ पर जब उस, उन्होंने वेरीफिकेशन करा वहाँ पर कुछ और चीजें मैंशन हो उस केस में भैया उस केस में आपका कैंडिडेचर फिर से कैंसिल हो सकता है ये ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर ट्वेंटी नाइन पर आ जाते हैं ठीक है देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं तो ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर सेज दैट नो कैंडिडेट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन भैया जब तक पेपर खत्म नहीं होता चाहे आप करके बैठे हो चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक पेपर खत्म नहीं होता आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर सकते ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड आर एडवाइज नॉट टू गेट अप फ्रॉम दे रिस्पेक्टिव सीट्स एंड टिल एडवाइज ऐसा नहीं कि पेपर हो गया तो उठ के एकदम आगे इन्विजुलेटर को पेपर दे दे नहीं आराम से सीट में बैठे रहिएगा जो भी इन्विजुलेटर इंस्ट्रक्शन दे देगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे ठीक है बेकि यू विल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली तो एक एक करके इन्विजिलेटर क्योंकि क्या होता है ना रश बहुत हो जाता है एक साथ बच्चे निकलते हैं तो वो एक एक करके बच्चों को भेजते हैं ठीक है ताकि चीजें ऑर्डर में रहें ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर शीट एंड एडमिट कार्ड टू एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट बुक ओके देखिए आपके पास ना वैसे एडमिट कार्ड के ना दो दो कॉपीज होनी चाहिए क्योंकि एक एडमिट कार्ड की कॉपी तो आप वहां जमा कर देते हैं ठीक है तो फिर बाद में बच्चों के पास एडमिट कार्ड रहता नहीं तो आप एडमिट कार्ड की दो फोटो कापी निकाल लीजिएगा दो मतलब प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा और एक अपने पास रखिएगा फॉर फ्यूचर पर्पस अगर सिलेक्शन हो जाए और एक तो आपको वहाँ जमा करना ही है ऐसा पॉइंट दिया नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है लास्ट पॉइंट नंबर थर्टी ये था कि जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए वो मार्कशीट आप इन्विजिलेटर को दे, देंगे साथ में एडमिट कार्ड भी एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप अपने पास लाएंगे बस ज अडोप्शन ऑफ अनफेयर मींस एंड विल भी डिल्ड विथ अकॉर्डिंगली अगर ऐसा नहीं करोगे तो भैया फिर से कार्रवाई होगी ना उसको उसी तरीके से लिया जाएगा नो कैंडिडेट शुड अडोप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंटेजेंट एनी अन अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसे ठीक है तो कुछ गलत काम मत करना वहाँ चिटिंग चिटिंग मत कीजिएगा ऐसा ना हो कि आप अगल बगल से पूछ रहे हैं और आपको किसी इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया तो भैया वहीं पर आपके शीट्स शीट के ऊपर लिख लेगा कुछ या उसको काट देगा तो आपका कैंडिडेट चाहे वहीं पर कैंसिल हो जाएगा तो ध्यान देना

ठीक है उसके अलावा कैंडिडेट्स में राइट टू एन टी एट एग्जाम स्लैश ए आई डबल ई या आप कॉल भी कर सकते हैं एन टी के हेल्प डेस्क में फाइव नाइन ट्रिपल जीरो एक और नंबर दिया है फॉर एनी असिस्टेंस अगर आपको कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए एन टी ए से तो आप इन नंबर्स में फोन करें अगर उठा दे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा कर, दिया इन्होंने एडमिट कार्ड में कि आप फ़ोन कर सकते हैं गिविंग द नेम रोल नंबर सारी डिटेल्स बताइए अपनी ठीक है उसके अलावा फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जैसे कि रिजल्ट कब आएगा एंड ऑल सारी चीज़ें या आंसर की कब डिस्क्लोज करोगे कोई भी जानकारी चाहिए आपको ना तो आप कहाँ संपर्क करेंगे वो आपको साफ साफ दिया है ठीक है सो दीज आर ऑल दी इंस्ट्रक्शंस ऑल दी इंपॉर्टेंट हैव टॉक्ड अबाउट ठीक है उसके बाद फिर अगले पेज में सारे इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दिए ठीक है ये क्लास सिक्स के लिए था लेकिन क्लास नाइन्थ और क्लास सिक्स के कॉमन रहता है सिर्फ एक ही पॉइंट अलग था मेरे ख्याल से वो सेट्स वाला और एक वो लैंग्वेज का पेपर जो अलग से आता है क्लास सिक्स में ठीक है बाकी सारे पॉइंट सेम है तो क्लास नाइन्थ वाले भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देखें तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि, कि किस तरीके के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है ठीक है सो अराउंड थर्टी फोर इंस्ट्रक्शन विल वर दियर आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेशनल लगा होगा क्योंकि वीडियो देखते वक्त बच्चों को कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रहते हैं और ऐसे देखकर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना आसान रहता है बच्चों के लिए तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया अदरवाइज एडमिट कार्ड में तो ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते ही हैं ठीक है एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन को आपको समझाया गया है ठीक है तो आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हिट द बेल आइकन एंड ऑल द बेस्ट कहूंगा सभी स्कूल के एस्पुरेंट्स के बाय बाय सी यू सून जय हिंद